अरे भगवान, इस 2 महीने के लिए कितनी शक्कर लाना है? देखो, जनवरी फरवरी में तुम्हारे घर वाले आए थे तो 3 किलो शक्कर लग गई। फिर मार्च अप्रैल में चीकू का बर्थडे था, तुम्हारे भतीजे की शादी भी थी, अपने घर से हुई तो 8 किलो शक्कर लग गई। फिर मई जून में अपन सब बाहर घूमने चले गए। जुलाई अगस्त में मेरे भाई की फैमिली आ गई तो 2 किलो शक्कर खर्च हो गई। अब तुम अगले 2 महीने का हिसाब लगा लो। ठीक है। बेटा जूजू, मैं तुम्हारा पापा हूँ। बेटा जूजू, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। बेटा जूजू, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। बेटा जूजू, अल्ले ले क्या कर ले हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। 10 साल बाद। बेटा जूजू, क्या कर ला है? अच्छा बताओ, मैं कौन हूँ, मौसी या बुआ? अल्ले आप तो मौसी हैं। अल्ले ले मिला बेटा कितना होशियार हो गया है। अरे भाई, अपन तो इंजीनियरिंग के बाद भी बेरोजगार हो गए हैं, क्या करें? चलो कैफे खोलते हैं, पर बेचेंगे क्या, ताकि प्रॉफिट भी तो हो। अपन को तो कुछ पता भी नहीं है कि अपने शहर में सुबह से शाम तक लोग क्या खाते हैं। सब अलग अलग लाइफ स्टाइल और रीजन के हैं। और कैफे खोले कहाँ, ये तो सबसे बड़ा मसला है। अरे चीकू, चल अपन अपने शहर में कैसे लोग हैं और उनके बारे में पता करते हैं। देख, अपने शहर का ये एरिया उनका है जहाँ साउथ इंडियन है, और यहाँ पंजाबी लोग हैं, और यहाँ सभी रिलीजन के और कॉमन लाइफ स्टाइल वाले भी तो हैं। तो अपन इस एरिया में अपन कैफे खोल सकते हैं, और उसमें सुबह के वक्त इडली सैंडविच, पराठा, दही सांभर, और दोपहर और रात में छोले भटूरे, डोसा सांभर, नान, दाल मखनी जैसे रखें तो बहुत चलेगा। ऑफिसर टन टन, ये चिंपू की क्लास में 30 बच्चे हैं, जिनमें से 4 उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, एलो पेलो लेलो और थेलो, और 3 दुश्मन भटका झटका लटका। तो पता करो ये चिंपू की गाड़ी किसने चुराई होगी उन 3 दुश्मनों में से, मतलब हु इज चोटा। सर, ये काम पेलो का है। कैसे? पेलो तो बेस्ट फ्रेंड है ना उसका। देखिए सर, पेलो भले ही उसका बेस्ट फ्रेंड है, पर पिछले महीने जब टीचर पढ़ा रही थी और उस दिन पेलो अपना बैग नहीं लाया था और दोनों सेम बुक से पढ़ रहे थे, तभी पेलो की नाक बहने लगी, और उस दिन वो रुमाल लाना भूल गया था, तभी उसने चिंपू की बुक का पन्ना फाड़कर नाक पोंछ दी थी। चिंपू ने उसकी पूरी क्लास के सामने उसे खूब खरा खोटा सुनाया था। तभी से पेलो भले ही चिंपू के बाकी दोस्तों की तरह चिंपू के साथ था, पर वो पहले जैसे चिंपू के घर नहीं जाता, उसे कभी कॉल ही नहीं करता है, जबकि पहले वो दिन में 4-4 बार फोन किया करता था। अपना रोज कॉपी किताब लाता है, जबकि पहले वो अक्सर अपना बैग ही नहीं लाता था। दोनों साथ में कैंटीन जाते हैं, पर अब वो चिंपू की पसंद का पिज्जा खाता है, जबकि पहले वो अपनी पसंद का ही पिज्जा ऑर्डर करता था। ये सारे फीचर्स उसको उसके दूसरे 3 बेस्ट फ्रेंड से अलग करते हैं सर, इसलिए पेलो ही चोटा है। मार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।